सो ये मेरा iPhone 15 है जिसको पिछले 7-8 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ। स्पेशली इस फोन का मैंने कैमरा भरपूर यूज किया है, कोई भी ट्रिप करी हो इस फोन के कैमरा के साथ ही उसको शूट किया है। इवन मैंने इसके कैमरास की अच्छे से टेस्टिंग और कंपेयरिंग की iPhone 14 के साथ, iPhone 13 के साथ और iPhone 14 Pro के साथ भी, और यकीन मानो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ iPhone 15 के कैमरा से। और ये डिटेल कंपेरिजन और कैमरा टेस्ट मैं आपको आज की वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करके जाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि iPhone 15 के अंदर आपको मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का और साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं आता, पर आपको यहां पे 2x का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बेसिकली डिजिटली क्रॉप करता है आपके मेन कैमरा से फोटोज को और काफी बढ़िया टेलीफोटो फोटोज निकाल कर देता है। आगे मैं आपको भी रिजल्ट्स भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह की फोटोज मिलती है। और इसके साथ साथ आपको हीफ मैक्स को भी ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा का मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब बारी है यहाँ पे फोटोज देखने की जो कि iPhone 15 के कैमरा से निकाली गई है। और देख सकते हो कि क्या क्वालिटी की पिक्चर्स आपको iPhone 15 के मेन कैमरा से मिलती हैं। मतलब अगर आप इसको जूम वगैरह करके भी देखोगे ना तो आपको काफी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है फोटोज के अंदर, लास्ट ईयर के iPhone से भी बेटर है। और यहाँ पे मैं आपको तीनों एंगल से फोटोज निकाल के दे रहा हूँ। पहली फोटो है 0.5x से, उसके बाद 1x और उसके बाद उसी का डिजिटली क्रॉप 2x वर्जन। देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पर तीनों ही एंगल से। इवन जब थोड़ा सा एरिया डार्क भी होता है ना उसके बावजूद आपको जूम करने पे काफी अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह देखने को मिलती है जो कि फोटो के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। और मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर ना काफी सारे फोन कलर शिफ्ट कर जाते हैं या फिर इतनी अच्छी डिटेलिंग निकाल कर नहीं देते, बट इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो इवन क्लाउड्स के अंदर आपको कितनी अच्छी डिटेलिंग मिल रही है। जूम करोगे तो ट्रीज की लीव्स वगैरह के आसपास भी आपको काफी अच्छी डिटेलिंग मिल रही है, जो कि सेम बजट के अंदर आपको सैमसंग के फोन भी इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं निकाल के देंगे। ऑल्दो उनके पास जूम लेंस काफी ज्यादा अच्छा है, बट जब बात आती है अल्ट्रा वाइड एंगल की ना तो आईफोन जैसी डिटेलिंग मुझे पिक्सल के फोन में भी नहीं नजर आती। तो काफी सारे ह्यूमन शॉट्स भी निकाले मैंने इस फोन से, अगेन डिटेलिंग काफी सही है, बैकग्राउंड काफी अच्छे से ब्लर होता है, मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है वो काफी अच्छे से निखर के आता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है ना वो स्किन टोन है, उसके कलर काफी ज्यादा नेचुरल रहते हैं। मतलब मैंने iPhone 13 और थोड़ा थोड़ा iPhone 14 के अंदर भी देखा था कि स्किन को थोड़ा सा ज्यादा व्हाइटिश टोन पर वो कर देता है और उससे पहले थोड़ा सा येलोइश टोन पर रहते थे, बट iPhone 15 सीरीज के अंदर एकदम नेचुरल कलर टोन आपको देखने को मिलेगा स्किन का। और इवन नाइट मोड के अंदर भी यहाँ पे स्किन टोन काफी ज्यादा नेचुरल रहते हैं, ये चीज मुझे काफी ज्यादा सही लगी है। और एक चीज काफी सही है कि 48 मेगापिक्सल होने के बावजूद आप 12 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल को अपने मेन कैमरा लेंस की तरह सेट करके रख सकते हो, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का साइज है वो काफी ज्यादा हो जाता है और उसकी डिटेलिंग वगैरह भी काफी अच्छे से कैप्चर होती है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट पे उसको 24 मेगापिक्सल करके रखते हो ना तो आपको डिटेलिंग भी काफी ज्यादा सही मिलती है और उसका साइज भी ज्यादा नहीं होता। अब ये देख सकते हो कि 24 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल की फोटो साइड टू साइड है और डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं नजर आने वाला। जूम वगैरह करके देखोगे तो डिटेलिंग वगैरह में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, लेकिन अगर आप 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल के अंदर डिफरेंस देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा और जूम करने पर तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पिक्सल वगैरह के अंदर डिफरेंस जरूर नजर आ जाएंगे। तो 48 मेगापिक्सल से तभी फोटोज निकालो जब एकदम बेस्ट फोटोज चाहिए, उसके अंदर डिटेलिंग वगैरह भरपूर चाहिए, अदरवाइज 24 मेगापिक्सल को डिफॉल्ट पे सेट करके रखो जिससे फाइल साइज भी कम होगा और आपको कोई स्टोरेज की दिक्कत भी नहीं आएगी फ्यूचर में। एक और अच्छा फीचर iPhone 15 सीरीज के अंदर, आपको पोर्ट्रेट फोटोज निकालने के लिए ना पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नॉर्मल कैमरा से भी फोटो लोगे बाद में उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड ऐड हो जाता है और उसको आप काफी अच्छे से एडिट कर सकते हो डिफॉल्ट फोटो ऐप के अंदर ही। मतलब फोकल लेंथ डेप्थ वगैरह आपका सब कुछ अच्छे से कंट्रोल हो जाता है ऐप के अंदर ही। इवन फोटो को क्लिक करने के बाद भी आप फोकस को चेंज कर सकते हो। और ये सिर्फ ह्यूमन पे नहीं, डॉग काउ कैट ये भी अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो इनके ऊपर भी आप पोर्ट्रेट मोड को बाद में ऐड कर सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के आई डिटेक्शन के अंदर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, अभी मैं आपको आगे सैंपल दिखाऊंगा। बट आप यहाँ पर 2x पोर्ट्रेट मोड भी निकाल सकते हो नॉन प्रो मॉडल iPhone 15 से और फोटोज काफी सही आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि DSLR जैसी फोटोज आपको अब यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सो बारी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 4K एट 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आपको एक्शन मोड मिल जाता है। और पहले यहाँ पे एक सैंपल देखो जो कि मैंने शूट किया, अनएडिट वर्जन है ये।
सो कैसी लगी है छोटी सी वीडियो जो कि आईफोन 15 के कैमरा से शूट हुई है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे माइक्रोफोन्स के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है और उसके साथ साथ 6x तक अब आपको जूम लेंस मिल जाता है वीडियोग्राफी के अंदर आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल के अंदर और क्वालिटी आपके सामने ही है। और ये चेकआउट करो सिनेमेटिक मोड के अंदर फ्रंट कैमरा से कितनी अच्छी एज डिटेक्शन हो रही है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एज डिटेक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा सही हो रही है। बड़ा ही प्यारा यहाँ पे बोके मोड आ रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर और नाइट मोड भी यहाँ पे डेफिनेटली इम्प्रूव लग रहा है, मतलब स्किन टोन में आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आप डिटेलिंग कलर्स वगैरह की बात करोगे ना काफी ज्यादा सही निकल के आ रहे हैं नाइट मोड के अंदर भी। वीडियोग्राफी के अंदर ना काफी सारे फोन फेल हो जाते हैं नाइट मोड के साथ, बट यहाँ पर आप देख सकते हो लाइटिंग यहाँ पे काफी सही है, बट थोड़ी सी फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पिक्सेलेटेड वीडियो दिखती है, बट फिर भी काफी ज्यादा सही वीडियोग्राफी निकाल के दी आईफोन 15 के फ्रंट कैमरा ने। अब बारी है इसका कंपैरिजन करने की बाकी सारे आईफोन से। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आईफोन 14 से, देख सकते हो दोनों फोटोज नेक्स्ट टू नेक्स्ट रखी हुई है, ऑलमोस्ट दोनों ही फोटोज आपको यहाँ पे सेम नजर आएंगी, बट हल्के से यहाँ पे जो डिटेलिंग है ना वो जूम करने पर आपको नजर आएगी आईफोन 15 की बेटर। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे नीचे ना लिखूं तो आप नहीं बता सकते कि कौन सी फोटो आईफोन 14 से और कौन सी फोटो आईफोन 15 से। हाँ, फ्रंट कैमरा के अंदर आईफोन 14 और आईफोन 13 की जैसे कि मैंने पहले भी कहा था स्किन टोन जो थोड़ी सी व्हाइटिश हो जाती है, बट आईफोन 15 के अंदर आपको एकदम नेचुरल स्क्रीन टोन नजर आएंगी और एज डिटेक्शन जो है ना यहाँ पे आईफोन 13 के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर किया गया आईफोन 15 के अंदर। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे दोनों से काफी ज्यादा बेहतरीन फोटोज निकल के आ रही है क्योंकि फोटो सारे आईफोन के अंदर बढ़िया आती है। आप आईफोन 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, आईफोन 15 ले लो, फोटोज आपको सारी आईफोन के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी मिलेंगी। बट भैया हर साल यहाँ पे सेंसर्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर दी जाती है, एपर्चर बढ़ा दिया जाता है, तो फोटोज के अंदर आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में बेटर नजर जरूर आएगी, लेकिन माइक्रोफोन्स के अंदर आईफोन 15 सीरीज का कोई मुकाबला नहीं है। एक सैंपल आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आईफोन 13 और आईफोन 15 के फ्रंट कैमरा से। चेकआउट कर सकते हो किस तरह से यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह आपको मिल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर और किस तरह से कलर साइंस को समझते हैं। यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही होगी आईफोन 15 के कैमरास के अंदर क्योंकि यहाँ पे आपको HDR5 मिल जाता है। स्टेबिलाईजेशन भी आप लोगों के सामने किस तरह की आपको यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन मिल रही है वीडियो के अंदर। बाकी मैंने डिटेल कंपेरिजन किया हुआ है आईफोन 15 और आईफोन 13 का, वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहा होगा, वहां से उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब एक बार आईफोन 14 प्रो के साथ भी डिफरेंस देख लो, फिर से वही बोलूंगा इतना बड़ा आपको डिफरेंस नहीं समझ आएगा, दोनों फोटो साइड टू साइड रखी जाएंगी तो ऑलमोस्ट सेम लगेगी, लेकिन यहाँ पे कभी कभार डिटेलिंग वगैरह जो ना आईफोन 14 प्रो के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बेटर नजर आई है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन 15 का ज्यादा बेटर है, लेकिन स्किन टोन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा नेचुरल 14 प्रो में आई है। बाकी जूम लेंस वगैरह तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाता है आईफोन 14 प्रो में। रियर कैमरा के अंदर मैं बोलूंगा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हल्का फुल्का फर्क, लेकिन फ्रंट कैमरा के अंदर आईफोन 15 के थोड़े से सेंसर्स वगैरह मुझे न्यू लगे और ज्यादा बेटर मुझे कलर्स वगैरह और डिटेलिंग लगी आईफोन 15 के अंदर कंपैरिजन टू आईफोन 14 प्रो। 14 प्रो के साथ भी कंपैरिजन डिटेल में हो चुका है, लिंक आ रहा होगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी फिर से ये बोलूंगा कि स्लाइड इंप्रूवमेंट्स होते हैं, सारे आईफोन के कैमरास और वीडियोस हैं वो इक्वली गुड होती है और मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी लगी आईफोन 15 की फोटोज की भी, वीडियोस की भी और माइक्रोफोन की भी। हाँ, आईफोन 15 प्रो 15 प्रो मैक्स के अंदर आपको इससे भी ज्यादा बेटर कैमरास मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा कैमरा लेंस आ जाता है, तो आपको पता ही है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। बाकी होप कि आपने एंजॉय की हो ये कैमरा टेस्ट वीडियो आईफोन 15 की। डिटेल रिव्यू वीडियो और बाकी सारे आईफोन के साथ कंपैरिजन वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां से इन सारी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।